नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजी भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं सुवो टीवी। दोस्तों आज आपको बताऊंगा स्कॉर्पियो राशि वालों का राशिफल 2020 का। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ना बोलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करने से क्या होगा जो वीडियो अपलोड करूँगा फिर नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और लाइक शेयर कमेंट करना ना बोलना उसे बिल्कुल फिक्र। सब शुरू करते हैं। सबसे पहले 2020 को टोटल करेंगे तो चार नंबर होता है राहु का। राहु जो दिखाता है ऑप्शन को, जो दिखाता है अनसर्टेननेस को, मतलब इस साल आपके लाइफ में कुछ अनसर्टेन इवेंट होंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो आपको लाइफ को कुछ चेंजेस लाने में मदद करेंगे। दोस्तों चाहे वो जॉब में कोई चेंज हो या कोई चेंज इस साल आपकी लाइफ में ज़रूर लाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो गुरु आपके सेकेंड हाउस में के एट हाउस पर, जिसके कारण आपको मैं ज़रूर सलाह दूंगा इस पूरे साल गाड़ी को थोड़ा सावधान से चलाए। अगर बाइक है, अगर फोर व्हीलर है तो सावधान से चलाए, रूल रेगुलेशन मान के चले तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों इसके साथ शनि आपके आपके थर्ड हाउस पर रहेंगे और बाकी के जितने सारे प्लैनेट हैं दोस्तों कहीं ना कहीं वो 45-30 डे में चेंज होते रहेंगे। आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों केतु, इसके साथ साथ दोस्तों शुक्र, शनि, सूर्य, जुपिटर, ये कुछ प्लैनेट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और खास करके दोस्तों आपके सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस और आपके नाइन हाउस इस साल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। मतलब दोस्तों पिता से मदद मिलना, पिता की हेल्थ में कुछ उधर पुधर होना, ऐसा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल जॉब में कुछ चेंजेस आएगा, मतलब अचानक से जॉब में आप कहीं पर काम कर रहे हैं और कहीं और जगह जाके आपको काम करना पड़ेगा। आपको समझना ज़रूरी है परिवर्तन जीवन का एक नया लक्ष्य होता है। देखिए सारे साथी तो हर का जो मानसिक टेंशन थे वो कम होने लगेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा। जो लोग आईटी सेक्टर से जो है काम करते, जो लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड से जुड़े काम करते, जो बीपीओ डीपीओ केपीओ से रिलेटेड कोई काम करते, जो लोग दोस्तों इस तरह की चीज़ में कोई भी काम करते आपके साथ बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई काम करते, तो इस साल ऐसा हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद थोड़े 2-3 महीने आपको बैठना पड़े, फिर आपको एक अलग बहुत बढ़िया जॉब मिले, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मिलेगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं दोस्तों, पेट्रोल से जुड़े हुए, लोहा से जुड़े कोई भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े कोई काम करते हैं, टीचर है दोस्तों, इस साल आपके लिए खास महत्वपूर्ण समय रहेगा। आपको समझना बहुत ज़रूरी, सही तरह के इस्तेमाल कीजिए अपनी जो बातें हैं, कभी भी अपने कॉलेज को मत कहना, तो नहीं तो आपके पीछे चोरी चोरी बातें लगाएंगे, आपके बदनामी चाहते हैं फैलाएंगे। दोस्तों तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों आप अपने तक अपने बात पे रखिए, अगर चाहे वो प्रमोशन की हो चाहे इंक्रीमेंट की हो, जब तक आपको पूरा संतुष्टि ना हो जाए किसी को अपने राज किसी को मत बताना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी। खास करके दोस्तों आपके लिए मार्च से लेकर जून तक महीना बहुत ज़्यादा खास रहेगा और इधर से दोस्तों आपके सेप्टेम्बर से लेकर आपके दिसंबर तक महीना बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों साल की शुरुआत में आपको बहुत राहत मिलेगी क्योंकि शनि के साथ साथ ही आपके ख़त्म होने लगेगी। दोस्तों आइए बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए। जो लोग अपने पार्टनरशिप रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा। आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। आपको अपने पार्टनर को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपके बिजनेस में कोई अनोखा मौका मिले तो आपको पार्टनर को हमेशा थैंक्स कहना चाहिए। जो लोग बाणी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं दोस्तों, चाहे जिसमें आपके बाणी प्रयोग हो, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है दोस्तों बिजनेस में, उस तरह की चीज़ों में आपको जो है बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, इस तरह से कोई भी बिजनेस करते हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खासियत मिलेगा। दोस्तों ऐसा हो सकता है बिजनेस के दौरान आपको थोड़ा सा जॉब चेंज करना पड़े। इस साल ऐसा भी हो सकता है आप अपने फॉरेन ट्रैवल, आपके जो घर से बाहर जाकर जॉब करना पड़े या फिर बिजनेस करना पड़े, बाहर जाकर कोई बिजनेस करना पड़े। इस साल ऐसा हो सकता है जो लोग बड़े बड़े एमसीओ में, मतलब दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, इस साल आपको भरपूर सहायता मिलेगा शनिदेव का। तो आप इस साल जॉब में बिजनेस में बहुत ऊँचाई हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपने वाणी को कंट्रोल कीजिए, आप अपने गुस्से का कंट्रोल कीजिए, तो आप बहुत बढ़िया आएगा। खास करके आपके मंगल की दशा चल रही है तो ज़रूर कहूँगा हनुमान चालीसा सुंदर कांत का पाठ करना मंगलवार शनिवार को आप लोगों के लिए खास ज़रूरी होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं एजुकेशन वालों के लिए। जो लोग कोशिश कर रहे हैं सरकारी जॉब पाने के लिए, बहुत ज़्यादा पैतृसी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने के, तो इस साल आपको खासा मेहनत करना पड़ेगा। खास करके लोगों दोस्तों जब जो आपके सन उच्च के हो जाएंगे इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मतलब दोस्तों मेष राशि पर चले जाएंगे वहाँ पर आपके जॉब मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोस्तों इस साल
जो लोग दोस्तों कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग आईटी रिलेटेड पर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कंप्यूटर रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा समय व्यतीत रहेगा दोस्तों। मेहनत आप खूब करेंगे लेकिन फल शायद उतना ना मिले, लेकिन आखिर में फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि शनिदेव देर ज़रूर करते हैं लेकिन कभी डिले ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी मना नहीं करते, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो पढ़ाई में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, उनको क्या पढ़ाई में क्या कमी आ रहे आपको थोड़ा सा वहाँ पर देखना है, आप बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर लव लाइफ की थोड़ी बात करो, जो लोग परमानेंट रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग नेक्स्ट लेवल जाने का मौका मिलेगा, परिवार में सहयोग मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। इस साल अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे कहीं ना कहीं दोस्तों, इस समय आपको वो जीवन साथी मिलने की कगार पर है दोस्तों। ऐसा हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप ऑलरेडी है लेकिन कोई तीसरे आने आपके रिलेशनशिप में आने का मौका वो लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब दोस्तों कोई तीसरा व्यक्ति आके आपके रिलेशनशिप स्पॉइल कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहे। आप अपने पार्टनर के थोड़ा डिवोटिव रहे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको जो फिफ्थ हाउस की लॉट है दोस्तों और सेकंड हाउस में बैठा है अपनी ही राशि में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहना, उसको हमेशा कहना है कि आप उनके लिए कितने खास है, कितने महत्वपूर्ण है। आपको इस साल फरवरी में, अप्रैल में, सितंबर में, नवंबर में अपना प्यार दिखाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों मैरिटल लाइफ की। मैरिटल लाइफ दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं इस साल ऐसा हो सकता है कोई आपके बातें, मतलब आप अपने सीक्रेट मियाँ बीवी का अपने तक बात होते अपने तक ही रखे, किसी दूसरे को मत कहना। तो ऐसा हो सकता है आपके बातें कोई तोड़ मरोड़ के आपको पति को या फिर आपके पत्नी को जाकर कहेंगे और घर में कलेश का वातावरण क्रिएट करेंगे। मतलब दोस्तों कहने के ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बातें यूज़ करके आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत लोग आपके पीछे पड़ जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे बिकॉज दोस्तों आपके दोस्तों यहाँ पर शुक्रदेव मजबूत रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जो मोहब्बत है, प्यार है, वो आखिर में दिखेगा दोस्तों। आप इस साल प्यार मोहब्बत दिखाने का बहुत सारा मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं इस साल संतान के योग भी देख रहा हो, तो संतान होने का, या घर में आपके बच्चे को शादी होने का, घर में शुभ मांगलिक कार्य होने का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आप लोग घूमने जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। फरवरी, अप्रैल में, मार्च में, जून में, जुलाई में, सितंबर और नवंबर में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौका मिलेगा घर से दूर जाकर घूमने के लिए, धर्म यात्रा जाने का, तीर्थ यात्रा जाने का दोस्तों, हनीमून का योग यहाँ पर देख रहा हो दोस्तों। आइए बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड। इस साल थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों, आपके हैंड्स रिलेटेड, कोई बाजू रिलेटेड आपके यहाँ पर ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना होगा दोस्तों। आप अपने बाणी पर कंट्रोल करें, अगर बाणी पर कंट्रोल कर लेंगे तो इस साल शत्रु बहुत ही कम होगा दोस्तों। क्योंकि बाणी अगर खराब यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु अपनी राशि पर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा, चटपटी चीज़ों का, तला हुआ चीज़ों का, लेकिन दोस्तों गुरु कहीं ना कहीं आपके पेट से रिलेटेड बीमारी भी देगा, तो आपको यहाँ पर अपने आपके जीवा को कंट्रोल करना है और सही चीज़ें खाना है। आप इस साल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में अपने व्यतीत रहेंगे, व्यायाम प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ के जो इशू होंगे तो कमने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा फिट भी रहेंगे इस साल दोस्तों। ये नहीं भी आपके बाल भी पका नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने बाणी पर अगर दिमाग पर कंट्रोल रखेंगे, धैर्य रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इनमें आपके कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे दोस्तों। इस साल दोस्तों घर में आपका खुद का घर बनाने का बहुत ज़्यादा आपको मौका मिलेगा कहीं ना कहीं दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके जो घर है दोस्तों उसको सही से आप डेकोरेट कर सकते हैं, नया आप बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करते हैं, यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। रियल स्टेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, आपके पास एक घर है, दूसरा घर का आप रेंट पर देना चाहते हो, तो इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा दोस्तों, आप दे सकते हैं दोस्तों। नया घर का, इतने घर को डेकोरेट करना, कार फाइनेंस, इस साल आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे इस साल, इस सभी चीज़ को हासिल दोस्तों। ट्रैवलिंग दोस्तों, इस साल शनिदेव आपके थर्ड हाउस पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों शनि आपसे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी भेजेगा, मतलब जो आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे आप दूर जाके बिजनेस करना चाहते हो, कहीं ना कहीं शनिदेव आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्य का सिद्ध होगा। आपको समझना पड़ेगा परिवर्तन जीवन का एक नया रूल होता है दोस्तों, परिवर्तन को हमेशा अपना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि परिवर्तन के अलावा नहीं चलता लाइफ में। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही तक, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरा वीडियो देखने के दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या करना है दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करना है दोस्तों, ब्राह्मण को भोजन खिलाना है।